चो गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो। गाइज ये जो नोटिफिकेशन है ना सारे बच्चों को हैरान करके रखा है, ठीक है। ध्यान से सुन लो क्या है नोटिफिकेशन में और कैसा है ये नोटिफिकेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए और बाकी सबके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। देखो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते हो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर मार देना। चलो अब बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि यदि आप थर्ड सेमेस्टर और पाँचवें सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है, और आप दूसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर और पाँचवें सेमेस्टर में क्या हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, मीन्स परीक्षा देने के बाद पास हो गए हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। अब एडमिशन का प्रोसीजर जो है ना, ध्यान से सुनना, साइंस वालों के लिए ये मान्य है और बाकी सब के लिए क्या है तो वो भी बता दूंगा। तो देखो, तो ये कहा गया है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, ये 10 रुपये का फॉर्म ख़रीदना होगा। ये सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। अफिलिएटेड कॉलेज वाले पता कर लो एक बार अपने कॉलेज में कि आपको कितने फ़ीस जमा करना है। तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है। आप अफिलिएटेड कॉलेज वाले हो तो आप अपने कॉलेज से पूछ लो कि सर हमको फ़ीस कहाँ जमा करना है, जाना है। अब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन लें, ये 10 रुपये का फॉर्म ख़रीदना है और इसको भरना है। कौन खरीदेगा, कॉमर्स वाले मत खरीदना, तुम लोगों का हम कल्याण वैसे करा दिए हैं, ठीक है। अभी बता दूंगा क्या है कॉमर्स वालों के लिए। ये सिर्फ साइंस वाले बच्चे 10 रुपये का फॉर्म खरीदेंगे, जिन्हें जो BSc थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में है वो फॉर्म खरीदेंगे, BBA में है, BFA में है वो लोग ये फॉर्म खरीद लेंगे 10 रुपये का। और 10 रुपये का फॉर्म ये जो होगा आपको कैशियर ऑफिस से मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना, आपको अपने डिटेल भरने हैं, सब सही सही भरिएगा। पेपर ऑप्शन में जो पेपर आप तीसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, सॉरी चौथे सेमेस्टर और छठवें सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो पेपर भर देना। सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हो उन पेपरों के नाम भर देना, ठीक है। और रिजल्ट जैसा भी आया होगा लिख देना, बाकी सब तो भर ही लोगे, बाकी सब तो होशियार हो ही। फैकल्टी जिस भी हो, कॉमर्स है चाहे कोई भी है तो भर देना, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तो साइंस वालों ये फॉर्म भर के अपने डिपार्टमेंट में कहाँ जमा करना है, काउंसलिंग फॉर्म और सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने प्रवेश पत्र एवं फीस रिसीव। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म, ये फॉर्म खरीद के ला देना, ठीक है, 10 रुपये का मिलेगा, ले लेना। और उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना और फीस रिसिप्ट, ठीक है। फीस रिसिप्ट कब की चाहिए, पहले वाले सेमेस्टर की फ़ीस रिसिप्ट चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर की। तभी तो ये क्या करेंगे, जब ये फॉर्म जमा कर दोगे तो तुम्हारा सेकेंड सेम का जो पोर्टल होगा वो खोल देंगे, या फोर्थ सेम का जो तुम्हारा UDRC पोर्टल होगा वो खोल देंगे, फिर तब तुम अपना फीस जमा कर पाओगे। साइंस वालों ने ध्यान से सुन लिया। अब कॉमर्स वालों के लिए क्या करना है, देखो कॉमर्स वालों का UDRC पोर्टल बिना ये फॉर्म जमा किए खोल दिया गया है, मतलब उनको अपना 10 रुपये बर्बाद नहीं करना, टाइम नहीं बर्बाद करना, जाना नहीं है, ठीक है। किसको जाना नहीं है, अभी देखो सेकेंड सेमेस्टर का कॉमर्स फैकल्टी में कुछ नहीं आया है तो सेकेंड सेमेस्टर वालों को अभी कहीं जाना नहीं है, ठीक है। जाना किसको है, चौथे सेमेस्टर और छठवें सेमेस्टर के स्टूडेंट। पहले एक बार अपना UDRC पोर्टल खोल के चेक कर लो, ठीक है। पोर्टल खोल के चेक करोगे, फीस जमा करने की बात आएगी, अगर फीस जमा करने का लिंक ना हो तो आप डीन ऑफिस में जाके संपर्क कर लेना, ठीक है, वो आपका लिंक खोल देंगे, ठीक है। कौन संपर्क करेगा, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर वाले क्या करना, अभी वेट करना, अभी तुम लोगों का कुछ नहीं आया, जैसे आएगा हम अपडेट कर देंगे। तो अब ये सभी के लिए, उनके लिए बस कॉमर्स फैकल्टी को छोड़ के बाकी साइंस से लेके बाकी जो भी हैं BA में है, साइंस में है, तो उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन था, ठीक है। तो ये ध्यान से सभी देख लेना, और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा किसके लिए, साइंस वालों के लिए। बाकी एक बार आप सभी अपने डिपार्टमेंट में जाके पता कर लीजिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर वाले तुम लोग परेशान ना होना, BCom सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो का डुप्लीकेट वीडियो कई चैनलों पे आ जाएगा और एक वहाँ से ऐसे आ गए हैं आजकल, 5-6 मतलब पिछले 7 दिनों से वो दिख रहे हैं, लेकिन वो जब मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको सीधा वो कॉपी करते हैं और वही वही वर्ड बस
उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए, पेस्ट कर देते हैं। वो मेहनत को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या समझाऊँ मैं जाके, अब इस बात से अगर समझ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।